हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी और राजस्थान क्वेश्चन बैंक की सीरीज, क्वेश्चन बैंक सीरीज हम कर रहे थे। सीरीज का सेक्शन ई का लास्ट वीडियो, मतलब कुछ पूरी क्वेश्चन बैंक सीरीज कंप्लीट हो रही है, आज है इसका लास्ट वीडियो, सेक्शन ई के लास्ट के 6 क्वेश्चंस। ठीक है, तो होपफुली हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई अच्छे से कराई है, आपको भी अच्छा लगा होगा। आज हम कर रहे हैं इसका लास्ट वीडियो, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, 12th हमने कल लास्ट वीडियो में हमने किया था। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। व्हाट इज इंटरफेरेंस, राइट द कंडीशन नेसेसरी फॉर द इंटरफेरेंस एंड द फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रिंज विड्थ विद द हेल्प ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस क्या होता है, डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। इंटरफेरेंस के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में सेक्शन बी या सेक्शन सी में हम पढ़ चुके हैं इंटरफेरेंस, राइट। तो कंडीशन भी हम पढ़ चुके हैं। इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, बट एक्सप्रेशन मतलब इसमें डेरिवेशन आपको बोला है कि डेरिवेशन करो फ्रिंज विड्थ का। तो फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं हम। तो YDSC में फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन हमें करना है, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन के लिए आप देखो, सबसे पहले हमें पता है कि हमें कौन क्या लेना होता है, एक सोर्स लेना होता है, राइट। तो एक सोर्स हमारे पास है, सोर्स S है, ठीक है। इसके आगे आपको पता है एक शीट रखी जाती है, इस शीट में एक स्लिट होगा, इस स्लिट से एक स्लिट होगा, तो इससे आपको पता है वेव फ्रंट्स निकलती हैं। तो ये एक सोर्स की वेव फ्रंट है, इसके जस्ट आगे एक शीट और रखते हैं जिसमें दो स्लिट्स बनती हैं। एक स्लिट होगी फर्स्ट ये वाली और सेकेंड स्लिट ये वाली है, ठीक है। ये दो स्लिट्स बनाई जाती हैं, इन दोनों स्लिट से लाइट फिर से बाहर निकलती है, यहाँ से भी लाइट फिर से बाहर निकल रही है, ठीक है। तो इन दोनों स्लिट्स को हम बोलते हैं लाइट के न्यू सोर्सेस S1 एंड S2, एंड दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है d। दोनों स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, d। स्लिट्स का सेंटर पॉइंट हो गया आपका O, राइट। अब इन दोनों सोर्सेज से निकलने वाली जो लाइट है, वेव फ्रंट्स हैं, इनका इंटरफेरेंस होगा, मतलब इनका सुपरपोजिशन होगा, और हमें आगे रखा जाता है, इसके आगे रखा जाता है स्क्रीन, ठीक है। ये है स्क्रीन, स्क्रीन का ठीक ओ के ठीक सामने एक पॉइंट होता है सेंटर, सेंटर पॉइंट होगा स्क्रीन का, और सेंटर के अराउंड क्या होते हैं, फ्रिंजेस बनती हैं। सेंटर के अराउंड डार्क और अल्टरनेट में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, ठीक है। तो फ्रिंज पैटर्न आपको मिलता है स्क्रीन पर, राइट। हमें निकालना है फ्रिंज विड्थ की डिस्टेंस। तो फ्रिंज विड्थ एक्चुअली होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रिंज विड्थ क्या होती है। जैसे सेंटर पे आप देखोगे ये ब्राइट फ्रिंज है, ये है आपकी ब्राइट फ्रिंज, फिर यहाँ पर अब आएगी डार्क फ्रिंज, ये है डार्क फ्रिंज, राइट। फिर आएगी ब्राइट फ्रिंज, फिर आएगी नेक्स्ट डार्क फ्रिंज, ये इस तरह से आती है फ्रिंजेस, ठीक है। और फ्रिंज विड्थ होती है बीटा से लिखते हैं फ्रिंज विड्थ को, बीटा, बीटा इज फ्रिंज विड्थ। सो वॉट इज बीटा, बीटा इज अ फ्रिंज विड्थ एंड इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो ये हमें निकालनी है, राइट। अब आपको पता है कि हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया, सपोज करें यहाँ पे कोई पॉइंट लिया हमने पी, इस जगह पर ये कोई पॉइंट है पी, तो S1 से लाइट पहुँचेगी पी पर डायरेक्ट और S2 से भी लाइट पहुँचेगी पी पर, इस तरह से S1 से लाइट गई, S2 से भी लाइट गई, तो दोनों के लाइट के दोनों का जो पाथ होगा उसका पाथ डिफरेंस होता है यहाँ पर। पाथ डिफरेंस क्या होगा, पहले सबसे पहले मैं पाथ डिफरेंस लिखता हूँ। देखो पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस को हम हमेशा डेल्टा x से नोट करते हैं। पाथ डिफरेंस यहाँ पे आएगा S2P माइनस S1P, ये है फर्स्ट इक्वेशन, S2P माइनस S1P, ठीक है। D is a distance between slits and capital D is a distance of screen from slits. Capital D is a distance of screen from slits, right? अब देखो आप इधर आगे, अब यहाँ पर S2 के ठीक सामने एक पॉइंट ले रहे हैं हम N और S1 के ठीक सामने एक पॉइंट लेंगे हम, वो होगा M. M पॉइंट होगा यहाँ पर, ये स्लिट्स हटाए थे यहां से, डेरिवेशन कर रहे हैं हम, S1 के ठीक सामने पॉइंट होगा M, ठीक है। और पॉइंट P की डिस्टेंस, सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस देखो, सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस होगी, पॉइंट P एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है,
इसकी डिस्टेंस होती है एक्स, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया हमने पी, ठीक है, और पी पॉइंट पे लाइट पहुंच रही है एस वन से, एस टू से डिफरेंस आएगा एस टू पी माइनस एस वन पी, क्लियर। अब एस वन से ओ, ओ इसका मिड पॉइंट हो गया, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, डी की आधी डी बाई टू, ये भी क्या हो जाएगी डी बाई टू, ये हाफ ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो इधर S2 से N की डिस्टेंस क्या होगी, कैपिटल D, कुछ डिस्टेंस जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर जो हमें काम आएगी, S2N कह लो, S1M कह लो, ये कैपिटल D के इक्वल होगी, ठीक है। और हमें चाहिए डिस्टेंस, अब कौन सी, देखो यहाँ पर डिस्टेंस हमें चाहिए, एक तो ये हो गई आपके पास, ये D बाई टू है, तो M2C हम क्या कहेंगे, M2C इज D बाई टू, और देखो ये एम टू एन, तो एस वन के सामने एम है, एस टू के सामने एन है, तो ये डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी डी, दिख रही है आपको, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट, अब कौन सी डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है वो देखो, एक तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लोगे, एक ये पॉइंट पी एस टू और एन ट्राइंगल, एक पॉइंट पी एस वन और एम ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इन ट्राइंगल में बेस तो आपको पता है इन दोनों ट्राइंगल्स का, ये बड़ा ट्राइंगल ये छोटा ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स का बेस क्या है, वो तो कैपिटल डी है, ठीक है। अब बेस के बाद हमें चाहिए हाइपोटेनस, क्योंकि एस टू पी एस वन पी क्या है, हाइपोटेनस है, एस वन पी इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, एस टू पी इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, तो बेस हमें पता है, हाइपोटेनस हमें निकालना है, तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर हमें चाहिए पी टू एम की वैल्यू, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी एम, पी एम की वैल्यू क्या है, ठीक है। जबकि पी एम की वैल्यू आप देखोगे, पी एम की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है x, x में से क्या माइनस करें, एक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस टोटल तो d है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d बाई टू, ये भी क्या होगी d बाई टू, ठीक है। तो पी एम की वैल्यू चाहिए, पी एम की वैल्यू आएगी x माइनस डी बाई टू, ये पी एम की वैल्यू है, एक्स हो गया टोटल और क्या माइनस किया हमने डी बाई टू। अब नेक्स्ट हमें चाहिए पूरा पी टू एन, तो पी टू एन जो मिलेगा आपको, ये यहां से यहां तक कितना हो गया एक्स और यहां से यहां तक कितना है डी बाई टू, तो पी टू एन लिखोगे एक्स प्लस डी बाई टू, ठीक है। ये वैल्यूज आपको नोट करनी है, तो लिखनी है, लिख दिया आपने। अब हमें दो ट्राइंगल्स दिख रहे थे, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पहला ट्राइंगल कौन सा हो गया, फर्स्ट ट्राइंगल होगा पी एस वन एम, पी एस वन एम ये वाला ट्राइंगल, पी एस वन एन एम में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो हाइपोटेनस है आपका एस वन पी, एस वन पी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू बेस क्या हो गया, बेस हो गया एस वन एम, तो एस वन एम का स्क्वायर प्लस, और ये क्या है पी एम, तो पी एम का स्क्वायर हो गया, तो हमने क्या लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल पे। तो एस वन पी की वैल्यू, एस वन पी की वैल्यू हमें मिली, एस वन पी का स्क्वायर हमें मिला, एस वन पी का स्क्वायर हमें मिला, वो कितना है, एस वन एम की वैल्यू कितनी है, एस वन एम की वैल्यू है एस वन एम, एस वन एम की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एस वन एम कितना होगा, ये रहा एस वन एम कितना था डी, और एस टू एम भी कितना है डी, तो एस वन एम कितना है डी, तो ये लिख दिया डी स्क्वायर प्लस पी एम, अभी हमने लिखा ये क्या है एक्स माइनस डी बाई टू, तो यहाँ लिख दोगे एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, एस वन पी के स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। सिमिलर दूसरा ट्राइंगल कौन सा लें, दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम ट्राइंगल पी एस टू एन, ट्राइंगल होगा पी एस टू एन, ठीक है। तो पी एस टू एन ट्राइंगल जो है आपका, इस ट्राइंगल में हमें लेना है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, वो है पी एस टू, पी एस टू का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या होगा एस टू एन, तो बेस वही आ गया एस टू एन का स्क्वायर प्लस, और ये क्या आ गया पी एन, तो पी एन का स्क्वायर, उसमें पी एम था इसमें पी एन आ जाएगा, ठीक है। तो पी एस टू या एस टू पी लिख सकते हो, उसमें एस वन पी लिखा था, इसमें मैं एस टू पी लिख देता हूँ एस टू पी, ठीक है। तो एस टू पी का स्क्वायर इक्वल्स टू एस टू एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर, तो एस टू पी
एस टू एन कितना हो गया डी स्क्वायर, और पी एन कितना है वो आपको पता है, यहाँ पर ये दो वैल्यूज मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो डी स्क्वायर पी एन की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एस टू पी का स्क्वायर। तो इक्वेशन आपके पास फर्स्ट ये आ गई थी, इसको मैं बोलूँगा सेकेंड इक्वेशन, और इसको बोलूँगा मैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से दो इक्वेशंस आपको और मिल गई। तो सबसे पहले डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, डायग्राम सबसे पहले बनाना आना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डायग्राम ही होता है, आपको पता है डायग्राम में वैल्यूज़ आपको लिखी हुई दिखनी चाहिए, डायग्राम में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, और इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही हमें आगे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब देखो आगे, इसके बाद एस टू पी इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट आप देखो, हमें निकालना था पार्ट डिफरेंस की बात करनी थी, वो था एस टू पी माइनस एस वन पी। अब एस टू पी माइनस वन पी यहाँ पर कहाँ मिलेगा, एस टू पी एस वन पी हमने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन मिल रहा है, और वो किसके साथ मिल रहा है, स्क्वायर के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर के साथ मिल रहा है, तो हम क्या करें, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस करते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ध्यान से देख लें, ये एस टू पी की वैल्यू है और ये एस वन पी की वैल्यू है। आपको पता है एस टू पी बड़ा है, तो एस टू पी बड़ा है इसलिए एक्स प्लस डी बाई टू आ रहा है, और एस वन पी छोटा है इसलिए एक्स माइनस डी बाई टू आ रहा है। ये ओवरऑल क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, माइनस में है ये प्लस में है, क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और इनको इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन माइनस करते हैं थर्ड में से सेकेंड। तो थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास एस टू पी का स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन क्या है, एस टू पी का स्क्वायर है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, एस वन पी का स्क्वायर है, एस वन पी का स्क्वायर, ठीक है। तो एस टू पी एस वन पी का स्क्वायर माइनस करना है। अब एस टू पी बड़ी डिस्टेंस थी, तो डी स्क्वायर प्लस ये था एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, और एस वन पी क्या थी, स्मॉल थी, तो कैसे लिखोगे, डी स्क्वायर था प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर था, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, तो एस टू पी माइनस एस वन पी है, तो इसको तो सॉल्व कर लेंगे, पहले राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे, होगा डी स्क्वायर प्लस ये क्या है, खोले इसको, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, टू ए बी होता है, तो ये हो जाएगा एक्स डी, फिर यहाँ आएगा माइनस का डी स्क्वायर, ये रहा, फिर यहाँ आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का डी स्क्वायर बाई फोर, यहाँ पे था प्लस का डी स्क्वायर बाई फोर, यहाँ भी प्लस का डी स्क्वायर बाई फोर आएगा, बट बाहर माइनस है इसलिए ओवरऑल सारी वैल्यू माइनस, इस पूरे ब्रैकेट में आने वाली वैल्यू के आगे माइनस का साइन है, इसलिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, और माइनस एक्स डी आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, जो हम कहते हैं टू ए बी, वो माइनस का आएगा बट वो प्लस में लिखा जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो क्या कैंसिल हो रहा है, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर बाई फोर से डी स्क्वायर बाई फोर कैंसिल, तो बचा क्या, टू एक्स डी। और यहां पर देखो एस टू पी माइनस एस वन पी है, तो एस टू पी माइनस एस वन पी, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एस टू पी प्लस एस वन पी, फिर ये होता है एस टू पी माइनस एस वन पी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से आगे, तो एस टू पी माइनस एस वन पी, एस टू पी प्लस एस वन पी, तो एस टू पी प्लस एस वन पी, राइट। और यहां पर ये होगा, ये तो है पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, यहां पे आएगा टू एक्स डी, राइट। अब आगे देखोगे ध्यान से, हम क्या लिखेंगे इस पॉइंट में, ये जो डायग्राम हमने बनाया रे ऑप्टिक्स में या वे ऑप्टिक्स के डेरिवेशन में, जो सारा पैटर्न होता है ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस में मिलता है, चाहे हम रे ऑप्टिक्स का कोई डेरिवेशन करें, चाहे वे ऑप्टिक्स का लेंस लें, मिरर लें, चाहे पैटर्न लें हम, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर होता है। मतलब आप देखो ये जो पूरा स्क्रीन हम बना रहे हैं, इतना बड़ा डी या सब डिस्टेंस बना रहे हैं, ये बहुत स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है, ठीक है। बोर्ड पर तो हमें दिख रही है इतनी डिस्टेंस, मगर एक्चुअली ये बहुत छोटी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होने पर सारे पॉइंट्स क्लोज आ जाएंगे, सारे पॉइंट्स, चाहे पॉइंट पी हो, चाहे सी हो, सेंटर पॉइंट हो, चाहे एन पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, ये सारे पॉइंट्स क्लोज होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस को, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आ रही है हमारे पास, ये वाली वैल्यूज, ये वाली डिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, समझ गया आप, पूरी स्क्रीन की विड्थ इतनी बड़ी है मगर एक्चुअली ये स्क्रीन बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटा होता है तो सारे पॉइंट्स बहुत क्लोज होंगे, तो जब सारे पॉइंट्स बहुत क्लोज होंगे इसका मतलब P इज वेरी क्लोज टू M, तो S1P की जगह हम S1M लिख देंगे, P इज वेरी क्लोज टू M लिख दोगे, ठीक है, और P इज वेरी क्लोज टू M है, P इज वेरी क्लोज टू N है, ये सारी डिस्टेंस इक्वल है, ये सारे पॉइंट्स बहुत पास पास हैं, तो समझ गए आप S1P की जगह हम क्या लिखेंगे, S1M, राइट, तो आप लिख दोगे आगे P इज वेरी क्लोज, P इज वेरी क्लोज टू, वेरी क्लोज टू M, N एंड C ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन, ठीक है, तो S2P की जगह हम लिख देंगे S2N, S1P की जगह लिख दोगे आप S1M, डेल्टा X 2XD, और S2N और S1M ये क्या होता है, D होता है, ये भी क्या होता है, D होता है, तो D प्लस D क्या हो जाएगा 2D, और ये आ गया 2XD, तो D प्लस D होता है 2D, डेल्टा X इक्वल्स टू 2XD, 2 से 2 कैंसिल कर दूँ तो X की वैल्यू क्या आ गई, X की वैल्यू निकालनी हमें यहाँ से, तो X की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा X, डेल्टा X है, कैपिटल D है, और स्मॉल D को डिवाइड कर देंगे, ये आ गया x की वैल्यू, x इज अ डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन स्क्रीन, ठीक है, अब x की वैल्यू मिल गई आपको, तो ध्यान से देखना x की वैल्यू मिल गई हमें, तो हमें क्या करना है, अब x की वैल्यू मिल गई तो इस x की वैल्यू हमें निकालनी है फॉर ब्राइट फ्रिंज, राइट, सो द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, nवीं ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होगी वो देखना, nth ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, तो x nth इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या पार्ट डिफरेंस होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस होता है n लैम्डा, सो डेल्टा x की जगह आप लिखोगे n लैम्डा d बाय d, सो इट इज x nth, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, सो n लैम्डा d बाय d, ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, ये तो आगे डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, हमें क्या चाहिए था, हमें डिराइव करना था फ्रिंज विड्थ को, हमें डिराइव करना है फ्रिंज विड्थ को, तो फ्रिंज विड्थ को डिराइव करने के लिए हमें बीटा को डिराइव करना है, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, तो एक्स एन प्लस वन में से एक्स एन, x क्या है डिस्टेंस है, तो nवीं फ्रिंज की डिस्टेंस है xn, और उससे एक एक उससे कंजिकेटिव, उससे एक बड़ी फ्रिंज या उससे एक आगे वाली फ्रिंज का x क्या होगा n प्लस वन, राइट, सपोज करें n है 5, तो ये डिस्टेंस किसकी है x 6 की, और ये डिस्टेंस किसकी 5 की, सपोज कह रहे हैं n के रहे n है 2, तो ये सेकेंड फ्रिंज की डिस्टेंस है, तो ये थर्ड फ्रिंज की डिस्टेंस है, हो गई दो कंजिकेटिव फ्रिंजेस, इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, तो ध्यान से देखना ये आ जाएगा फॉर्मूला एक्स एन के लिए, एन प्लस वन के लिए फॉर्मूला बनेगा एन प्लस वन लेमडा डी बाई डी, और माइनस एन के लिए बनेगा एन लेमडा डी बाई डी, ठीक है, तो ये एन प्लस वन है, ये एन है, तो आपका बीटा अगर आप सॉल्व करोगे ओपन करोगे तो ये एन लेमडा डी बाई डी, देन प्लस लेमडा डी बाई डी, ये एन प्लस वन है, तो एक तो n के साथ लिख दिया, एक 1 के साथ लिख दिया, माइनस n लैम्डा d बाई डी, ठीक है, तो ये n लैम्डा d बाई डी कैंसिल होगा, तो बीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको, बीटा की वैल्यू मिल गई लैम्डा d बाई डी, ठीक है, तो ये है बीटा फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन, ध्यान से देख लो फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन है बीटा है, बीटा इज अ फ्रिंज विड्थ विच इज इक्वल्स टू लैम्डा d बाई डी, तो डायग्राम अच्छे से बनाना है और ये वैल्यू हमें अच्छे से लिखनी है, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू मिल गई, चलो आगे, तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, इस तरह से एक इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन का एक पैटर्न था, डिफ्रेक्शन फ्राउनहोफर, फिर ये है इंटरफेरेंस वाला, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोला एक्सप्लेन द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ डेविएशंस, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है,
डेविएशन लिखा हुआ है, थोड़ा चेक कर लें क्या दिया। एक्सप्लेन द मैथमेटिकल मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देना है और इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को मैथमेटिकल एनालिसिस से बताना है। तो मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस आएगा, ऑफ इंटरफेरेंस, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस है। ठीक है, तो मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस हमें यहां पर बताना है। तो इंटरफेरेंस होता है, आपको पता है इसमें टू वेव्स इक्वल फ्रीक्वेंसी की यहां पर क्या होती है, उनका सुपरपोजिशन होता है। तो मैथमेटिकल एनालिसिस देना है इंटरफेरेंस का, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखो इसमें फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव हमारे पास होगी, फर्स्ट वेव जो सुपर इम्पोज करती है y1 की वैल्यू होती है a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, इट इज फर्स्ट वेव। एंड y2 ये सेकेंड वेव की इक्वेशन है, a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो y1 और y2 दोनों हमारे पास हैं, दोनों की इक्वेशन हमने लिख दी है y1 और y2। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रिजल्टेड वेव की इक्वेशन आएगी y1 प्लस y2। ठीक है, तो y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू आ जाएगी a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 की वैल्यू है a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई। फाई यहाँ पर फेज डिफरेंस है, दोनों का फेज देखो, इसका ओमेगा टी माइनस kx है, इसका भी ओमेगा टी माइनस kx है, बस डिफरेंस किसका रखा है, फाई का। सो फाई इज अ फेज डिफरेंस। नाउ अब देखो मैथमेटिकल एनालिसिस करें इसका, तो मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए रिजल्टेंट इक्वेशन बनानी है, तो रिजल्टेंट इक्वेशन कैसे बनेगी, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये तो ठीक है, a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस a2। अब ये साइन a और प्लस साइन b का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला है, तो साइन a ओमेगा टी माइनस kx, ये a ले लिया मैंने, ये वाला जो एंगल है इसका, इसको मैंने a मान लिया, तो ये a हो गया, और इसको मैंने मान लिया b, फाई को मैंने मान लिया b, तो ये b हो गया, तो साइन a कॉस b मतलब फाई आएगा। फिर आगे लिखना होता है, खोलेंगे तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, बड़ी टर्म बन गई यहां पर, कॉस ए साइन बी साइन फाइव, ये मैथमेटिकली हमें लाना है, मैथमेटिकली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए रिजल्टेंट इक्वेशन लानी पड़ती है। तो अब देखो ये आ गई, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx हो गया, और a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx cos phi हो गया, और ये है cos ओमेगा टी माइनस kx sin phi हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो a2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, a2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसमें, तो मैं यहाँ से इस ब्रैकेट को हटा रहा हूँ, देखो a2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, a2 यहाँ आ गया, ये साइन था, और a2 प्लस के बाद यहाँ पर भी आ जाएगा, ये प्लस कॉस ओमेगा टी लिखा तो यहाँ पर भी a2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे था प्लस, फिर आ जाएगा a2, फिर यहाँ आ जाएगा कॉस। ठीक है, जो a2 मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ था बाहर, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब आप ध्यान से देखो, तो साइन ओमेगा टी माइनस kx यहाँ भी है, साइन ओमेगा टी माइनस kx यहाँ भी है, तो साइन ओमेगा टी माइनस kx कॉमन ले सकते हैं, तो साइन ओमेगा टी माइनस kx कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां पर अंदर बचेगा a1 प्लस a2 क्या है यहां पर, cos phi। ठीक है, a1 प्लस a2 cos phi, राइट। और नेक्स्ट आप देखो, ये a1 प्लस a2 cos phi हो गया, अब इसमें से तो कॉमन ले लिया, अब अपने पास उधर क्या बचा है, इधर ये वाला टर्म बचा है बस,
इसमें क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ये आ गया, और इसमें से आप देखोगे तो प्लस, अब जैसे यहाँ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है, यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यहाँ पर जो बचेगा वो है ए टू साइन फाइव, ठीक है। तो ये है रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन हम ला रहे हैं। रिजल्टेंट वेव कैसे आती है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिजल्टेंट वेव मिलेगी हमें इस तरह से, हम यहाँ पर ऐड करते हैं, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर सपोज करना है ताकि अपने पास इक्वेशन बन जाए, इक्वेशन बन जाएगी रिजल्टेंट, ठीक है। अब हमें क्या सपोज करना है, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव को सपोज करना है, एक तो इसको सपोज कर लो आप, तो सपोज ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, एंड ए टू साइन फाइव को सपोज कर लो आर साइन थीटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं एक बार, ये आपको लिखना है, सपोज ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड सपोज ए टू साइन फाइव इक्वल्स टू आर साइन थीटा, राइट। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, देखो अब मैंने जो सपोज किया आगा, सपोज किया आपने उसको, आपको यूज करना है इसमें, सपोज किया आपने इसको यूज करते हैं, देखो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो y इक्वल्स टू आपने आगे लिखा हुआ था साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और आपने सपोज कर लिया आर कॉस फाइव, आर कॉस फाइव सपोज किया था, ठीक है। और यहां पर क्या सपोज किया, कॉस ओमेगा टी था, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां सपोज कर लिया था आर साइन फाइव, ठीक है, सपोज कर लिया। तो सपोज करने के बाद आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कॉमन लेना है, एक तो आर, आर कॉमन ले लिया, अब मैं क्या लिख रहा हूं अंदर देखना, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस फाइव, और प्लस में आप देखोगे कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाइव, तो ध्यान से देखो तो किसका फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी, ये हो गया साइन ए कॉस बी, फिर ये हो गया कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया वाई इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी, अच्छा आर क्या फाई नहीं सपोज किया था हमने, थीटा सपोज किया था, देखो ए वन प्लस ए टू कॉस फाई की जगह लिखना है आर कॉस थीटा, और ए टू साइन फाई की जगह लिखना है आर साइन थीटा, तो हमें यहाँ पे थीटा लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पे थीटा है, फाई की जगह ये थीटा है, ये है कॉस थीटा, फिर यहाँ पर भी आएगा साइन थीटा, यहाँ पे आ गया साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला बनेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई वाई इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, इट इज इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है, ये आ गई। अब रिजल्टेंट वेव इक्वेशन तो आ गई, बट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे मिलेगा हमें, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है, क्योंकि हमें इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को एक्सप्लेन करना है। अब आप ध्यान से देखो ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव इक्वल्स टू, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव इक्वल्स टू आर कॉस थीटा होता है, इट इज इक्वेशन फर्स्ट, इट इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड ए टू साइन फाइव इक्वल्स टू होता है आर साइन थीटा, इट इज इक्वेशन सेकेंड। ये दो इक्वेशन मिलती हैं, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, इट इज इक्वेशन फर्स्ट, ए टू साइन फाइव आप सपोज किया आपने आर साइन थीटा, इट इज इक्वेशन टू। आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड कर दो, बोथ इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो आर कॉस थीटा की जगह ए वन ए टू कॉस फाइव आएगा, और आर साइन थीटा की जगह ए टू साइन फाइव आएगा, तो इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं,
हमें बोला है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करो। स्क्वायर करके ऐड क्यों करते हैं आपको पता है, एक तो हमने लिया आर साइन थीटा, ठीक है, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी थी आर कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब भी साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ मिल जाते हैं तो आप स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, उससे क्या होगा थीटा आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है। अब r sin थीटा तो था a2 sin phi, r sin थीटा का स्क्वायर करना है तो कर दिया a2 sin phi का स्क्वायर, प्लस r cos थीटा लिखा था हमने a1 plus a2 cos phi, a1 plus a2 cos phi, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया। अब ये जो स्क्वायर किया है इसको हम खोल सकते हैं, ये तो आ गया r स्क्वायर, ये तो हो गया स्क्वायर है, तो सिंपल a2 स्क्वायर है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है sin स्क्वायर फाइव प्लस, और यहाँ पर हम देखेंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस 2 a1 a2 cos फाइव, 2 a1 a1 a2 cos फाइव। तो इसमें ध्यान से देखो तो a2 sin स्क्वायर फाइव और a2 cos स्क्वायर फाइव इन दोनों को ऐड करके आप क्या लिखोगे, ये आ गया r स्क्वायर इक्वल्स टू, ये साइन स्क्वायर फाइव है ये कॉस स्क्वायर फाइव है, तो ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव तो वन हो जाएगा, तो आगे क्या लिखेंगे ए वन स्क्वायर, फिर इसमें से वन होने के बाद ये बचेगा ए टू स्क्वायर, फिर आगे देखोगे तो क्या बचा, एट लास्ट ये बचा बस, तो ये आपको लिखना है टू ए वन ए टू कॉस फाइव, ठीक है। तो ये है आर की वैल्यू, अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ यहाँ से तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये थी, तो आर की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, इट इज़ द आर, इट इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इन इंटरफेरेंस। सो ये लाना था मैथमेटिकल एनालिसिस, इसको कहा जाता है कि आप जो इक्वेशन सिंपली आपने ऐड की, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, आपके पास दो इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन दो सोर्सेस होते हैं कोहेरेंट, उनसे निकलने वाली वेव्स हैं उनकी इक्वेशंस हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग जब सुपरपोजिशन होगा तो ऐड हो जाएगी, ऐड कर दिया, मैथमेटिक्स लगाई जरूर, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ भी लगाया, और वापस आप देखोगे इसमें इसको सपोज कर लिया आर कॉस थीटा, इसको सपोज कर लिया आर साइन थीटा, फिर आगे इसको यूज़ करते हैं तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला फिर आगे दोबारा भी लगाया, ठीक है। तो आप इसको आराम से नोट करके एक बार आपको सेल्फ करना है, एक बार नोट कर लो देख लो और फिर आप इसको ट्राई करोगे सेल्फ बिना देखे, एक बार ट्राई करोगे बिना देखे तो एक बार आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट आर की वैल्यू आ गई, तो आर की वैल्यू आ गई ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर टू ए वन ए टू कॉस फाइव। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या बोला जाता है, इसमें बोला है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करना है। तो आर की वैल्यू मिल गई फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्शन का मतलब आपको पता है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाई फेज डिफरेंस फाई शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मींस इवन मल्टीपल ऑफ फाई मींस 2n पाई, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई मींस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये कंडीशन है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, राइट। तो कॉस 2n पाई की वैल्यू होगी हमेशा प्लस 1, तो r की वैल्यू जो आती है हमें पता है r की वैल्यू क्या आती है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। अब cos phi फाई की वैल्यू 2n पाई और 2n पाई की वैल्यू प्लस 1, तो ये प्लस 1 कर दिया मैंने, तो r की वैल्यू क्या हो गई, आर की वैल्यू आएगी ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी ए वन प्लस ए टू विच इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और ये बताता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, ठीक है। सिमिलर फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डी आई और सी आई कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कॉस फाई की वैल्यू होती है 2n माइनस 1 पाई, मतलब पाई का इवन मल्टीपल, वो था ऑड मल्टीपल, वो इवन मल्टीपल यहाँ पे आएगा ऑड मल्टीपल, ठीक है। तो
ऑड मल्टीपल होगा तो 5। अब मुझे बताओ कॉस 2 एन माइनस 1 पाई, मतलब कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस 3 पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस 5 पाई की वैल्यू क्या होती है। किसी भी कॉस में ऑड मल्टीपल की वैल्यू होती है माइनस 1। तो जैसे यहाँ पे प्लस 1 रखा था तो ए वन प्लस ए टू को ऑल स्क्वायर आया, माइनस 1 रखेंगे तो ए वन माइनस ए टू आएगा, ठीक है। सो ये होती है मिनिमम। तो ये एम्पलीट्यूड मिनिमम है, ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। इसी के हेल्प से हमें एक्सप्लेन करना था इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव कैसे होता है और डिस्ट्रक्टिव कैसे होता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल एनालिसिस है इंटरफेरेंस का, मैथमेटिकल एनालिसिस आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में भी मैथमेटिकल एनालिसिस था, बीट्स का अलग था, इंटरफेरेंस का अलग था, सबका मैथमेटिकल एनालिसिस होता है, ठीक है। अब चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन लेंस, व्हाट आर द साइन कन्वेंशन रूल्स फॉर द लेंसेस, एस्टेब्लिश द लेंस मेकर फॉर्मूला, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। तो ये भी मेजर क्वेश्चन हुआ, सबसे पहले पूछा है कि लेंस क्या होता है। तो लेंस क्या है, अगेन लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल इन विच एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड। लेंस में हमेशा सरफेस कैसी होगी, कर्व होगी, एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड, एक सरफेस तो कर्व होनी चाहिए, अगर सरफेस कर्व नहीं होगी तो लेंस नहीं बनेगा। पैरेलल होती है तो स्लैब बन जाती है, प्लेन होती है पैरेलल होती है तो स्लैब बन जाती है, और प्लेन होती है बट इंक्लाइन होती है तो प्रिज्म बन जाता है। तो लेंस के लिए एटलीस्ट वन सरफेस कर्व होनी चाहिए। तो ये लेंस की डेफिनेशन है, लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हुज एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व। फिर आपसे पूछा है व्हाट आर द साइन कन्वेंशन रूल्स फॉर लेंस, लेंस के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा। तो साइन कन्वेंशन हम पढ़ते हैं, देखो साइन कन्वेंशन के लिए साइन कन्वेंशन आएगा, ये लेंस है तो लेंस में होता है बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है ओ, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो साइन कन्वेंशन का पहला रूल है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। साइन कन्वेंशन हमें बताना है तो साइन कन्वेंशन के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें कि डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रे। मान लो ये ऑब्जेक्ट इधर है और रेज जो आ रही हैं वो ऑब्जेक्ट से निकल के लेंस पे स्ट्राइक करती हैं इस तरह से, ठीक है। तो रेज के चलने की डायरेक्शन होगी राइट साइड में। तो रेज अगर इस तरह से चल रही हैं, इस तरह से ट्रेवल कर रही हैं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ रे जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ रे, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रे इज टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ रे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रे। तो जो रे की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो उस डिस्टेंस को कहा जाता है पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आप अपोजिट ट्रेवल कर रहे हो तो डिस्टेंस आएगी नेगेटिव, ठीक है। तो रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे इस तरफ तो ये पॉजिटिवली जाएगी, और रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करोगे तो नेगेटिवली जाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड आता है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव अगर कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से आएगा। जैसे ये है, इसकी हाइट है h1 तो ये पॉजिटिव है। अगर कोई इमेज इन्वर्टेड बनती है तो इसकी हाइट है h2 तो ये नेगेटिव है क्योंकि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन इसको कहा जाता है, लेंस की डेफिनेशन हो गई, साइन कन्वेंशन हो गया। अब हमें एस्टेब्लिश करना है, मतलब ड्राइव करना है किसको, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूले को ड्राइव करना है और फिर लास्ट में बताना है व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस वो मैं बताता हूँ, डेरिवेशन हम नेक्स्ट पेज पे फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, लेंस क्या करता है, रेस को कन्वर्स करता है, रेस को कन्वर्स करता है, डाइवर्स करता है, ठीक है। तो द एबिलिटी, पावर ऑफ द लेंस क्या है, द एबिलिटी हेडिंग डाल दूं, पावर आप हेडिंग डाल के लिखोगे, हेडिंग पावर डाल दिया। पावर क्या होता है, द एबिलिटी, द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज
कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। लेंस में एबिलिटी होती है वो रेस को कन्वर्ट करें या डाइवर्स करें, उस एबिलिटी को पावर कहते हैं। और पावर निकालना हो ये आएगा 1/F, फॉर्मूला है पावर का 1/F, और यूनिट होती है इसकी डायोप्टर, यूनिट लिखेंगे डायोप्टर, ठीक है। तो ये पावर, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, तो मैंने यहां बता दिया आपको। अब हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूले को ड्राइव करना है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होगा, देखो लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम बनाना है सबसे पहले, तो ये लेंस लिया ऐसे, लेंस में दो सरफेस होंगी L1, ये प्रिंसिपल एक्सिस L1A L2, और दूसरी सरफेस होगी L1B L2, ठीक है, L1A L2 L1B L2। ऑब्जेक्ट सपोज करें यहाँ पे प्लेस है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से निकलेंगी रेज, तो ये रे निकली, रे निकलती ये क्या होगी, लेंस में जाएगी, तो लेंस में जाते ही ये रिफ्रैक्ट होगी फर्स्ट सरफेस से, होगी रिफ्रैक्ट, और फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी। अगर सेकंड सरफेस नहीं होती, एक ही सरफेस होती, तो ये इमेज यहाँ बनती, ये इमेज बनती यहाँ पर, इसको आई डैश कहते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली रे का दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा, सेकंड सरफेस जो है L1B L2, और ये रे को और कन्वर्स कर देगी, क्योंकि दो दो सरफेस है, तो फाइनली इमेज बनेगी आई पर। एक ही सरफेस होती है अगर, एक ही, और बाकी कंटिन्यू होता ग्लास, तो इमेज बनती आई डैश पर। बट सेकंड सरफेस भी आ गई, तो ये दोबारा रिफ्रैक्ट होती है, इसलिए थोड़ा उससे क्लोज इमेज बनेगी, फाइनल इमेज बनी आई पर, ठीक है। मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मैं ले लेता हूं यू, ठीक है, और इमेज की डिस्टेंस जो इंटरमीडिएट इमेज है आई डैश, उसकी डिस्टेंस ले लेता हूं मैं वी डैश, ठीक। और फाइनल इमेज जो बन रही है, फाइनल इमेज जो है उसकी डिस्टेंस ले लेता हूं वी, ये जो फाइनल इमेज बनेगी इसकी डिस्टेंस है वी। आपको लिखना है व्हाट इज यू, यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, वी डैश डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट इमेज आई, वी क्या है डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, राइट। अब यहां पर स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, उसका फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, कर्व सरफेस भी कह सकते हैं, स्फेरिकल या कर्व, कर्व सरफेस कर्व सरफेस पहली वाली आएगी L1A L2, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस L1A L2। और कर्व सरफेस का रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है आपको पता है μ2/V, ये हमें यूज करना पड़ेगा, μ1/U = μ2 - μ1/R, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं और वैल्यूज जो है, फर्स्ट मीडियम ये वाला है, तो ये होता है रिफ्रैक्टिंग, ये लेंस है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा L, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μm, तो ये मीडियम ही है, इधर भी क्या होगा μm। फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस इज R2, तो ये हम यहाँ लगा रहे हैं देखो, तो यहाँ पर आएगा μL/V - μm/U = μ2, कौन सा L है ना, L - μm/R1, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें सेम रिफ्रैक्शन बताना है, रिफ्रैक्शन थ्रू, अब सेकंड सरफेस कौन सी है, रिफ्रैक्शन थ्रू सेकंड सरफेस आएगी L1B L2, ठीक है, L1B L2,
वापस से ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ये फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का, ये भी ध्यान रखना है आपको, इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हमें लेंस मेकर फॉर्मूला बनाना है। तो वापस से क्या करेंगे, ये फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे क्योंकि रिफ्रैक्शन दोबारा हो रहा है सेकेंड सर्फेस के लिए। अब जैसे ही रिफ्रैक्शन दोबारा होगा सेकेंड सर्फेस के लिए, फिर से हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, फिर से हमें इमेज डिस्टेंस चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो R2 है, ठीक है। बट सेकेंड सर्फेस के लिए आपको लिखना है यहाँ पर कि I डैश जो है, आई डैश बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सर्फेस, लाइक एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड सर्फेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, आई डैश, और इमेज क्या है, वो तो आई है ही, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम हमने देखा कि रे मीडियम से लेंस में जा रही है, और सेकेंड टाइम ध्यान से देखोगे सेकेंड सर्फेस के लिए अब रे लेंस से मीडियम में जाएगी, ठीक है। तो हमने कहा 1 2 2 1, और ये 2 था, अब लेंस से बाहर आ रही है तो 1 होगा लेंस और 2 होगा मीडियम, ध्यान रखना 1 होगा लेंस और 2 होगा मीडियम। तो म्यू 1 तो हम लेंगे म्यू एल, और म्यू 2 हम लेंगे म्यू एम, ठीक है। तब हम इसमें वापस से फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला, ये फॉर्मूला लगाना है, और म्यू 1 म्यू 2 की वैल्यू ध्यान से पुट करनी है इसमें, देखना। तो अब हम वापस से फॉर्मूला लगा रहे हैं, वापस से फॉर्मूला लगाएंगे म्यू 2 म्यू 1 वाला, बट आपको ध्यान रखना है लेंस, अब रे सेकेंड मीडियम कौन सा है, सेकेंड मीडियम है जो मीडियम है, और फर्स्ट मीडियम कौन सा होगा, जो लेंस है। अब रे लेंस से मीडियम में एंटर करेंगी, ठीक है। और ये भी हमने लिखा कि आई डैश बिहेव कर रही है लाइक एन ऑब्जेक्ट, तो आई डैश सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला मुझे ये लगाना है म्यू टू, ठीक है। म्यू टू की जगह क्या आएगा, म्यू टू की जगह आएगा म्यू एम। फिर देखो यहाँ पे क्या है, वी है, तो वी तो इमेज की डिस्टेंस क्या है, वी है। फिर आएगा म्यू एल, फर्स्ट कौन सा एल है, क्योंकि लेंस से मीडियम में जा रही है। फिर यहाँ पे क्या है, यू इज अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, आई डैश है, तो आई डैश की डिस्टेंस क्या होगी, वी डैश, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा म्यू एम, म्यू टू माइनस म्यू वन था ना, तो म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन आर टू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आर टू आ गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये रिलेशन आ गया, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन दोनों आ गई, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करें, दोनों इक्वेशंस का हम यूज करें, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसमें माइनस वी डैश है, इसमें प्लस का वी डैश है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आप ऐड कर दें, ठीक है। तो ऐड करोगे, देखो आप, ये सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है, तो सेकेंड इक्वेशन में आप देखोगे म्यू एम अपॉन वी आएगा माइनस, और फर्स्ट इक्वेशन ये वाला जो म्यू एल अपॉन वी डैश है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो क्या बचा, म्यू एम अपॉन वी, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का म्यू एम अपॉन यू बचेगा, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पर, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन आर वन, और इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये मुझे लिखना है यहाँ पे, ऐड करना है, तो ऐड करूँगा तो आर टू आएगा, मगर यहाँ क्या लिखा हुआ है, म्यू एम माइनस म्यू एल, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, म्यू एल माइनस म्यू एम लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, म्यू एम माइनस म्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो मैं पहले इसको ऐड कर लेता हूँ, चलो ऐड करके मैंने क्या लिखा, म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन आर टू, ठीक है। अब यहाँ पे तो म्यू एल माइनस म्यू एम है, यहाँ पे म्यू एम माइनस म्यू एल है, तो दोनों में से आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में सेम टर्म आनी चाहिए ताकि हम कॉमन ले सकें। तो सेम टर्म के लिए हम क्या करें, इधर तो ठीक है, ये लिखा हुआ है म्यू एम अपॉन वी, ठीक है, इसमें से भी मैं क्या करूँ, म्यू एम कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर ठीक है, लिखा हुआ 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और ये म्यू एम मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। बट यहाँ पर मैं, मुझे वापस म्यू एल माइनस म्यू एम कॉमन लेना है, म्यू एल माइनस म्यू एम कॉमन लेना है, तो यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1 अपॉन आर वन, बट यहाँ पर तो उल्टा लिखा हुआ है, तो उल्टा लिखा हुआ है, जब मैं इसको कॉमन लूंगा तो माइनस भी हमें लेना पड़ेगा साथ में, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन आर टू, ठीक है। मुझे इसको उल्टा लिखा, म्यू एम माइनस म्यू एल की जगह मुझे अगर म्यू एल माइनस म्यू एम लिखना होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस के साथ माइनस म्यू एम माइनस
म्यू एम माइनस म्यू लिखा है तो मैं लिखूंगा माइनस म्यू एल माइनस म्यू एम, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको ये लिखा हुआ है प्लस, अब मैं इसको माइनस लिखूंगा तो माइनस के साथ लिख सकता हूँ म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन आर टू, ये लिख सकता हूँ मैं इसी को, इसी टर्म को, ये जो प्लस लिखा हुआ है इसी टर्म को मुझे माइनस में लिखना हो तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। आई बात समझ में? ठीक है ये मैंने यहां पर कॉमन लिया है इस तरह से, राइट। अब यहां पर था प्लस, ये म्यू एम हमेशा म्यू एम किसका है प्लस का है, म्यू एल किसका है माइनस का है, तो यहां पे देखोगे तो म्यू एल माइनस का होगा और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो म्यू एम प्लस का हो जाएगा। तो ऐसा लिखकर इसमें से मैंने कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखो ये आया वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, इस म्यू एम को मैंने डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा म्यू एल अपॉन म्यू एम, इस म्यू एम को डिवाइड करना है तो यहाँ आ जाएगा माइनस वन, म्यू एम को डिवाइड करती हूँ और ये सेम है वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है। तो ये जो रिलेशन मिला हमें फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ये होती है थर्ड इक्वेशन, ठीक थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हमें लिखना है इफ ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहां पर, इंफिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट प्लेस होगा तो इमेज कहां बनेगी, आपको पता है लेंस में अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में होता है तो इमेज बनती है फोकस पर, तो यू अगर मैं इनफाइनाइट रख दूं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इन्फिनिटी मतलब u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो v इक्वल्स टू क्या होगा f, मैं दोनों वैल्यूज पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे आया वन अपॉन f, u की वैल्यू कितनी है इन्फाइनाइट तो जीरो हो जाएगा, वन अपॉन इन्फाइनाइट क्या होता है जीरो हो जाता है, तो वन अपॉन f इक्वल्स टू ये म्यू एल अपॉन म्यू एम, इसको लिखूंगा मैं म्यू एल और m यहाँ पर लिख दूंगा। इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, तो म्यू एल m आ गया, यहाँ आ जाएगा माइनस वन, फिर यहाँ आएगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, इट इज इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। और इक्वेशन फोर्थ ही है आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो ये हमें मिला लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसको कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिया। इस क्वेश्चन में तो लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करने को बोला था, जो हमने कर लिया ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा फोर्थ और थर्ड को कंपेयर करोगे, बाय कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करोगे तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आएगा वन अपॉन एफ आ रहा है और यहाँ पर है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, तो उसको लेंस में लेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। ये क्या हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया लेंस फॉर्मूला, तो इसी से हम लेंस फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है और ये क्या है लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरह से डेरिवेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, देखो आगे राइट द डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, अभी लिखा था सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, ड्रॉ द रिक्वायर्ड रे डायग्राम, सेम अब हमें प्रूव करना है, बट पावर तो सेम है बट हमें प्रूव करना है कॉम्बिनेशन का लेंस मेकर लेंस फॉर्मूला जो है कॉम्बिनेशन का, आपको पावर का फॉर्मूला प्रूव करना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा ईजी है, पावर का फॉर्मूला अगर प्रूव करना है आपको तो इसमें टू लेंसेस हैं, फर्स्ट लेंस एल वन, इसके साथ सेकंड लेंस आएगा L2, सेम कंडीशन है बिल्कुल उसी पैटर्न पे, सेम डेरिवेशन है उसी पैटर्न का डेरिवेशन है, सेम तो नहीं कहेंगे डेरिवेशन उसी पैटर्न का है, ध्यान से देखना वही सेम आएगा I डैश सब कुछ सेम आएगा। ये फर्स्ट रे स्ट्राइक होती है तो फर्स्ट लेंस क्या करेगा, इसका फर्स्ट लेंस इसको रिफ्रैक्ट करेगा कन्वर्स करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेंस कन्वर्स करता है तो ये हमें मिलती है रे, थोड़ा क्लोज बन गया, थोड़ा सा लेंस बनाते हैं, इसका डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ये है फर्स्ट लेंस और ये है सेकंड लेंस, ठीक है। और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ रख दिया हमने ऑब्जेक्ट ये ओ, इससे जो रे निकलेगी दोनों लेंस से पास होगी, सपोज करें फर्स्ट लेंस पास होता है, फर्स्ट लेंस से पास हुई तो ये इमेज बनेगी इसकी यहाँ पर, तो ये वही आई डैश आएगा। नाउ फॉर सेकेंड लेंस, ये एल वन है ये एल टू है, फॉर सेकेंड लेंस आई डैश क्या होगा, इमेज की तरह काम करेगी, सॉरी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, आई डैश इज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस, तो जब ये सेकेंड लेंस पे रे स्ट्राइक करेगी तो सेकेंड लेंस पर स्ट्राइक करने के बाद ये लेंस तो फाइनल इमेज बनाएगा आई पर, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी यू,
डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो है आपकी वी, एंड डिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट इमेज क्या होती है वी डैश, सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ फॉर्मूला भी वैसे ही करेंगे फॉर L1, पहले हम लगाएंगे फॉर L1, पहले लेंस के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u फॉर L1, ठीक है। क्या लगाया फॉर L1? लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर लेंस L1। तो फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ होगी F1, फर्स्ट लेंस है इसकी फोकल लेंथ क्या है F1 है, सेकेंड लेंस है इसकी फोकल लेंथ क्या है F2 है। तो 1/f1 = 1/v - 1/u, इट इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फॉर L2, फॉर लेंस L2, 1/f2 = 1/v - 1/v-, u की जगह क्या लिखना है v-, बिकॉज सेकेंड लेंस के लिए v- ही क्या है ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देख लो u है यहाँ पे क्या लिखा v-, तो u की जगह v- आएगा। फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट u पर है, इमेज इंटरमीडिएट इमेज v- पे बनेगी, सेकेंड लेंस के लिए इंटरमीडिएट इमेज ऑब्जेक्ट है और फाइनल इमेज v पे बनेगी, ठीक है। अब ये दोनों लेंस मिलकर, दोनों लेंस मिलकर कंबाइंड हो चुके हैं, और कंबाइंड अगर हम बात करें कि दोनों लेंस को कंबाइंड कर देते हैं, तो दोनों लेंस अगर कंबाइंड हो जाते हैं इस तरह से, तो क्या इक्वेशन बनेगी या क्या रे डायग्राम बनेगा। देखो ऑब्जेक्ट ये रहा ओ, इससे निकली रे, और कॉम्बिनेशन के बाद ये फाइनल इमेज बनाएगी कहाँ पर, आई पर, ये रहा, यही तो होगा। तो इन कॉम्बिनेशन में इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इसकी फोकल लेंथ होगी एफ इक्वलेंट, पावर क्या होगी पी इक्वलेंट, ठीक है। फर्स्ट लेंस से फोकल लेंथ क्या है F1, और पावर क्या है इसकी, पावर है P1। सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ क्या है F2, पावर क्या है P2। दोनों के कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या है F इक्वलेंट, पावर क्या है P इक्वलेंट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है U पर, तो फाइनली इमेज तो V पर बननी है, ये V पर, ठीक है। तो इसके लिए वापस से लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ फॉर L1 L2 यहाँ पर हो गया, फॉर L1 हो गया, फॉर L2 हो गया, नाउ फॉर कॉम्बिनेशन, फॉर कॉम्बो या कॉम्बिनेशन, फॉर कॉम्बिनेशन, तो फॉर कॉम्बिनेशन लगाएं तो ये आएगा 1/f equivalent = 1/f1 + 1/f equivalent = 1/v - 1/u, 1/f equivalent = 1/v - 1/u, ठीक है। तो ये है आपके पास थर्ड इक्वेशन, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट लेंस के लिए, सेकेंड इक्वेशन सेकेंड लेंस के लिए, और ये कॉम्बिनेशन के लिए थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से ऐड कर दें। तो इन दोनों को ऐड करोगे, देखो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 1/f1 + 1/f2 आएगा, 1/f1 और 1/f2 आएगा इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड हो गया, तो इनको भी ऐड करेंगे, इनको इनको ऐड करो, तो आप ध्यान से देखो कि 1/v - 1/v-, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा। तो ये क्या है 1/v, यहाँ पे 1/u, तो इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये क्या बचा 1/v - 1/u, इट इज इक्वेशन फोर्थ, जो मिलेगी हमें 1 और 2 को ऐड करने से, राइट। अब थर्ड और फोर्थ को देखोगे तो राइट साइड सेम है ना, 1/v - 1/u, 1/v - 1/u, तो राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होना चाहिए। तो लास्ट में हम लिखेंगे इक्वेशन थर्ड इक्वल टू इक्वेशन फोर्थ, तो ये आ जाएगा 1/f equivalent = 1/f1 + 1/f2, थर्ड एंड फोर्थ लेफ्ट साइड दोनों को इक्वेट कर दिया, तो 1/f equivalent = 1/f1 + 1/f2 आ गया। 1/f equivalent को हम पावर इक्वलेंट भी कहते हैं, 1/f पावर होती है, तो 1/f1 पावर हो गई p1, 1/f2 पावर हो गई p2, तो ये p इक्वलेंट का फॉर्मूला मिल गया, ये f इक्वलेंट का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। हमें तो बोला था एक्सप्रेशन ऑफ पावर, बट पावर का एक्सप्रेशन पहले फोकल लेंथ का आएगा, उसी का इन्वर्स को हम पावर बोलते हैं, तो पावर का आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन, ठीक है। रे डायग्राम बोला तो तुमने बना दिए, ये है कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, अगला
एक्सप्लेन द वेव थ्योरी ऑफ हैगन, हैगन्स वेव थ्योरी एंड स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हैगन्स वेव थ्योरी, टेक आउट द रे डायग्राम। हाँ, तो वेव थ्योरी क्या है? हैगन्स वेव थ्योरी, हैगन्स वेव थ्योरी क्या थी? लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई थी, उनमें से एक थ्योरी थी हैगन्स वेव थ्योरी। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट ट्रेवल करती है। अकॉर्डिंग टू हैगन, अकॉर्डिंग टू हैगन्स थ्योरी, लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ, लाइट कैसे ट्रेवल करती है उसके लिए सबने एक्सप्लेन किया था, लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ, लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ विच वेव, आपको पता है वेव थ्योरी दी थी, मतलब वेव के बारे में बताया था, इन फॉर्म, लाइट ट्रेवल्स इन, हम कह सकते हैं फॉर्म सीधा लिख देते हैं, लाइट ट्रेवल्स इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल एंड मैकेनिकल वेव, सीधा लिखते ट्रेवल्स के, लाइट इज लिख देते हैं डायरेक्ट, लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड मैकेनिकल वेव, ये थी हैगन्स वेव थ्योरी, मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हैगन्स लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड मैकेनिकल वेव, मतलब लाइट के वो सबने एक्सप्लेन किया था, अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, सबने एक्सप्लेन किया लाइट को, तो इसने कहा लाइट कौन सी वेव है, लाइट है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और इसने कहा लाइट कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो ये था हैगन्स वेव थ्योरी। इसके अलावा इसने कहा था कि ईच एंड एवरीवेयर अ हाइपोथेटिकल मीडियम इज अवेलेबल, तो हाइपोथेटिकल मीडियम भी आप लिख दो इसमें, हाइपोथेटिकल मीडियम, हाइपोथेटिकल मीडियम, इसका नाम रखा था इसने ईथर, हाइपोथेटिकल मीडियम इज अवेलेबल एवरीवेयर विच इज कॉल्ड ईथर। ये थ्योरी में आपको दो पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि आपको बोला एक्सप्लेन करो, तो हैगन्स ने जो बताया था वो हमने लिख दिया, टू पॉइंट्स आपको लिखने हैं इसमें। कह सकते हो अकॉर्डिंग टू हैगन्स, फर्स्ट बोला लाइट ट्रेवल्स इन लाइट इज इन लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव एंड हाइपोथेटिकल मीडियम इज अवेलेबल एवरीवेयर इन यूनिवर्स विच इज कॉल्ड ईथर, इसको हैगन्स वेव थ्योरी कहते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे तो हैगन्स वेव थ्योरी के बेस पर हमें स्नेल्स लॉ को प्रूव करना है, तो आपको ध्यान होगा सेक्शन डी में हम इसको अच्छे से कर चुके हैं, म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे, नेक्स्ट आता है व्हाट इज वेव फ्रंट, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, वेव फ्रंट हम पढ़ चुके हैं, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, सेक्शन डी का ही है। व्हाट आर द टाइप्स, टाइप जरूर मैं लिख देता हूँ, देखो वेव फ्रंट के टाइप्स कितने हैं, वेव फ्रंट कितने टाइप का होता है, फर्स्ट हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट, फर्स्ट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, आप इसमें लिखोगे स्फेरिकल वेव फ्रंट, और किसकी वजह से आता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, ड्यू टू पॉइंट सोर्स, थोड़ा सा लिख दोगे ड्यू टू पॉइंट सोर्स। तो टाइप्स में सबसे पहले लिखना है आपको कौन सा वेव फ्रंट होता है स्फेरिकल, जो आता है पॉइंट सोर्स की वजह से, पॉइंट सोर्स की वजह से क्रिएट होता है। सेकंड होता है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, वो आता है ड्यू टू लाइन सोर्स, लाइन इन फॉर्म ऑफ लाइन जो सोर्स होता है वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है थर्ड आता है प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, तो प्लेन वेव फ्रंट जो आएगा ये आएगा किसी पर्टिकुलर सोर्स की वजह से नहीं आएगा, बट ये होना चाहिए सोर्स, कोई भी सोर्स हो, फ्रॉम एनी सोर्स विच इज प्लेस्ड एट इन्फिनाइट, सोर्स एट इन्फिनिटी, बहुत दूर सोर्स होगा तो अपने आप बनने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ हैगन्स, सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में बताया। देखो अब मैं डायग्राम बनाऊं वेव फ्रंट का, तो ये है सोर्स। ठीक है, सोर्स के आसपास जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सारे पार्टिकल जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं इसको बोलते हैं वेव फ्रंट, तो ये बनाया हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बना दिया। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट उन सारे पॉइंट्स को मिलाया हमने जो सेम डिस्टेंस पे हैं सोर्स से, सेम डिस्टेंस पे हैं,
ये सारे पॉइंट्स सोर्स से सेम डिस्टेंस पे हैं या ये सारे पॉइंट्स सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, ठीक है? तो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स सेम, ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको मिलाने से बनता है वेव फ्रंट। तो ये सारे पॉइंट्स लाइट के न्यू सोर्सेस हैं। सो दीज ऑल पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट ऑन वेव फ्रंट आर बिहेव लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है? सो ये जो न्यू सोर्स ऑफ लाइट हैं इन्हीं को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। अब इनका खुद का भी वेव फ्रंट बनेगा, देखो ये नए सोर्स हैं लाइट के, तो खुद का क्या बना लेंगे, वेव फ्रंट बना लेंगे। देखो हर पॉइंट के आसपास एक वेव फ्रंट बनता है स्फेरिकल, हर सोर्स के आसपास एक वेव फ्रंट बनता है स्फेरिकल। तो ये भी तो सोर्स हैं लाइट के, तो ये लाइट के नए सोर्स हैं, ये लाइट के नए सोर्स होते हैं, इनके आसपास भी वेव फ्रंट बनेगा, इसको बोलेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है? तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, दीज पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट ऑन वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट एंड दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। इसको सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि प्राइमरी सोर्स तो यही सही, मेन सोर्स को आप प्राइमरी वेवलेट कह सकते हो, दैट्स वाई इसको सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, क्योंकि ये सेकेंड सोर्सेस है, ठीक है? तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स की थ्योरी है। नाउ नेक्स्ट देखो, अब ये है लास्ट क्वेश्चन आज का, सेक्शन ई का, सेक्शन ई का लास्ट क्वेश्चन है गॉस सीरम, फर्स्ट चैप्टर का जो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, फर्स्ट चैप्टर उससे आया है, राइट गॉस सीरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉस सीरम तो हम लिख चुके हैं पहले भी सेक्शन डी में, ठीक है? गॉस सीरम क्या होता है, फ्लक्स लिंक विद एनी एनक्लोज सर्फेस इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इन साइड दैट एनक्लोज सर्फेस, ठीक है? सारी थियोरम भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे मुझे याद है वैसे सबको याद होनी चाहिए, थियोरम्स हैं जितनी थियोरम्स आप इसमें पढ़ रहे हो, लॉ हैं या थियोरम्स हैं, क्यूरीज लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, गॉस सीरम, बायो सावर्त लॉ, जो भी लॉज आप पढ़ रहे हो सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद इसमें देखो गॉस सीरम तो लिख दिया, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब डेरिवेशन है एक तरह से, किसका डेरिवेशन है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई फाइंड करना है इन तीन सिचुएशन में, मतलब आउटसाइड सरफेस और इनसाइड स्फीयर के लिए तीन ही सिचुएशन होती है, या तो बाहर निकालो या सरफेस पे निकालो या इनसाइड निकालो। तो तीनों के लिए हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है इंटेंसिटी का ई का यूजिंग गॉस सीरम, ठीक है? तो यूजिंग गॉस सीरम हमें डेरिवेशन करना है, तो हम इसको कर सकते हैं आराम से। देखो इधर कैसे करना है, तो हमें सबसे पहले तो हमें लेना है सॉलिड स्फीयर, तो ये लिया हमने सॉलिड स्फीयर, और ये नॉन कंडक्टिंग है इसलिए चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम पर स्प्रेडेड होता है, पूरे वॉल्यूम पर, ठीक है? और हमें अगर चाहिए होगा तो हम इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो लिखते हैं हम रो से, तो रो इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन टोटल वॉल्यूम, क्या होगा 4/3 πr³, ठीक है? ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर एंड चार्ज इज क्यू, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना था, सबसे पहले हमें निकालना है आउटसाइड। तो कहानी आप समझ गए, कहानी तो आपको लिखनी है, इसमें डायग्राम बनाते ही लेट अस कंसीडर अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड द चार्ज इज क्यू इज गिवन एंड इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फीयर। नाउ इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, वैल्यू लिख दिया उसकी। नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी हुज डिस्टेंस इज स्मॉल आर। तो पॉइंट पी हुज डिस्टेंस इज स्मॉल आर, फर्स्ट आप लिखोगे, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। सो आउटसाइड द स्फीयर मीन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी इज ग्रेटर देन आर, राइट? नाउ हमें गॉस सीरम यूज करना है, तो सारी बातें गॉस सीरम आप दिमाग में रखोगे, गॉस सीरम यूज करना है, ठीक है? तो गॉस सीरम यूज करोगे तो आपको गॉस सीरम का जो स्टेटमेंट है वो आप लिखोगे ना, फॉर्मूला लिखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है यूजिंग गॉस सीरम। तो गॉस सीरम हम यूज करते हैं कैसे, इस तरह से ई डॉट डी ए इक्वल्स टू सिग्मा क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये यूज करना है,
ठीक है। तो यू यूज़ करना है इसका अंदर, सबसे पहले तो ये सर्फ इंटीग्रेशन पे जो सर्कल बना हुआ है, मतलब हमें क्या इमेजिन करनी पड़ेगी, एनक्लोज्ड सरफेस जो चार्ज को कवर करती है। तो चार्ज को कवर करने वाली एनक्लोज्ड सरफेस हम इमेजिन करते हैं, सबसे पहले तो ये इमेजिन कर लो, ठीक है। तो चार्ज को कवर करने वाली एक एनक्लोज सरफेस आपने इमेजिन कर ली, ठीक। अब इमेजिन करोगे ना, तो इमेजिन जो आपने स्फेयर किया है, स्फेयर जो आपने इमेजिन किया, उस स्फेयर की रेडियस, इमेजिन स्फेयर की रेडियस पॉइंट की डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको लिखना है इमेजिन अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, राइट। तो ये हमने इमेजिन कर लिया, तो आपको दिख ही रहा था सबसे पहले तो ये इमेजिन करना था, तो ये कर लिया इमेजिन, इमेजिन कर लिया। ई इस पॉइंट पे निकालना है, डी ए, डी ए क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया इस पॉइंट के अराउंड हमें लेना है। तो इस पूरे एनक्लोज सरफेस का एक छोटा सा एरिया हमने ले लिया, वो है डी ए, ठीक है, डी ए ले लिया। अब ये गॉस थ्योरम लगानी है, ये जो इमेजिन किया ये सब आपने आर इमेजिन डी ए सपोज स्मॉल एलिमेंट्री एरिया डी ए सब लिखना है आपको, ठीक है। अब हम आ जाएं आगे इसको डेरिवेशन के लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए लिखा था, तो ई डी ए कॉस जीरो डिग्री आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो और राइट साइड में चलें तो यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा क्यू इन, क्यू इन मतलब कौन सी, एनक्लोज सरफेस के अंदर वाला चार्ज। तो अगर ये एनक्लोज सरफेस पूरी है तो सारा चार्ज जो क्यू था उसके अंदर ही आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई बाहर ले लिया, अब हमें करना है डी ए का इंटीग्रेशन, मतलब जो आपने सरफेस इमेजिन की थी उसका टोटल एरिया लिखना है, उसका कंप्लीट एरिया आपको लिखना है। डी ए तो था स्मॉल एरिया, बट उसका पूरा एरिया हमें लेना है, ये स्मॉल एरिया था, पूरा एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया, ये पॉइंट कहाँ था, आउटसाइड था, तो ई आउट की वैल्यू हम लिखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ई आउट आप ऐसे भी लिख सकते हो, और के की फॉर्म में लिखना चाहो तो के की फॉर्म में भी लिख सकते हो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आ गया ई आउट। अब सेकेंड हम कहाँ निकालते हैं, सेकेंड हमें बोला है एट सरफेस, तो सरफेस के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सरफेस पॉइंट होता तो आउटसाइड ही है, बट उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। अब ये पॉइंट आपका सेंटर से बाहर नहीं है, सेंटर से सरफेस पे ही है, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस के इक्वल, ठीक है। तो आर की वैल्यू आर, तो इसमें भी आर की वैल्यू आर रख दो, तो ई एस की वैल्यू आ जाएगी, ये डायरेक्ट लिख सकते हो, सरफेस के लिए आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये सरफेस के लिए, ठीक है। अब थर्ड आ जाए इनसाइड, अब तीसरा जो डेरिवेशन शुरू होता है वो होता है स्फेयर के अंदर के लिए, स्फेयर के इनसाइड के लिए। इसके लिए आपको दोबारा से अच्छे से डायग्राम बनाना है, वैल्यू सॉल्व भी करनी है इसकी। तो डायग्राम अब देखो, ये था आपका स्फेयर, ठीक है, और ये सेंटर था, ये इसकी रेडियस थी कैपिटल आर, और चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। चार्ज क्या था, क्यू था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था क्यू। अब जो पॉइंट है वो अंदर है, तो पॉइंट अगर अंदर है तो पॉइंट ये रहा, सपोज ये पॉइंट है, यहाँ ले लिया मैंने, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है। आप चाहो तो पॉइंट यहाँ भी लिख सकते हो, रेडियस हम कहीं भी लिख सकते हैं, तो पॉइंट को हम यहाँ ले लेते हैं, चलो ये सेंटर है और ये रेडियस है आर, और पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट है, और पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। तो हमें जो थर्ड हम निकालना चाह रहे थे वो थर्ड इनसाइड ही तो है, इनसाइड हमें चाहिए, थर्ड हमें कहाँ निकालना है, इनसाइड निकालना है स्फेयर के, तो इनसाइड स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर होगा, आउटसाइड स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो इनसाइड स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर होगा। अब आप ध्यान से देखो, इसमें वही यूजिंग गॉस थ्योरम, ई डॉट डी ए इक्वल्स टू सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये दिमाग में रखना है, मैं आपको पहले लिख दिया है, ये आपको दिमाग में रखते हुए सोचना है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, इमेजिन करनी है एक एनक्लोज सरफेस। अगेन इमेजिन कर लेंगे एनक्लोज सरफेस,
ऑफ रेडियस आर विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, तो यहाँ पर ये आर रेडियस का एक स्फेयर इमेजिन कर लेंगे हम, ठीक है। आर रेडियस का स्फेयर इमेजिन किया तो हमें यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट्री एरिया भी लेना पड़ेगा, ये स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ले लिया मैंने, ये डायरेक्शन इसकी इधर होगी, स्मॉल एलिमेंट्री है डी ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है सेम डायरेक्शन में होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई की डायरेक्शन के लिए आप लिख सकते हो ई इज रेडियली, रेडियली आउटवर्ड्स, एक लाइन आप लिख दें रेडियली आउटवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स। तो यहाँ पर जब हम इसको खोलेंगे ना तो ई डी ए कॉस जीरो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर आपने पहले ही लिख दिया है कि ई इज रेडियली आउटवर्ड्स और स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, सपोज स्मॉल एलिमेंट्री है उसकी डायरेक्शन तो यही सही, ठीक है। तो ये आ गया ई, हमने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन करना है डी ए का, और डी ए का इंटीग्रेशन तो आपने कर रखा है पहले से ही, वो आपको पता है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है, ठीक है। बट हमें राइट साइड सॉल्व करनी है, इसमें राइट साइड खास है, राइट साइड इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि चार्ज पूरे स्फेयर पे स्प्रेडेड है, पूरे स्फेयर पर, बाहर भी है अंदर भी है, बाहर भी है अंदर भी है, ठीक है। तो हमें कौन सा चार्ज लेना होता है, सिग्मा क्यू इन, मतलब इसके अंदर जितना चार्ज होगा वो हमें लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा, तो उसका वॉल्यूम थोड़ा कम है, पूरे वॉल्यूम से थोड़ा कम वॉल्यूम है, और चार्ज अगर हमें लिखना है तो हमें यहाँ पे चार्ज लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ज लिखने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एनक्लोज सरफेस, आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ एनक्लोज सरफेस, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एनक्लोज सरफेस कितना होगा भी, रो तो है ही सही, वॉल्यूम ऑफ एनक्लोज सरफेस हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और रो आपको पता है क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो ये पुट कर देते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल कर दो, अब क्या बचा देख लो ध्यान से, ई इंटू यहाँ पे तो बच रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, और उधर क्या बचा, उधर बच रहा है क्यू, फिर बच रहा है आर क्यूब स्मॉल आर का अपॉन में आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल कर दो, ये आर स्क्वायर है और ये आर क्यूब है, कट गया, 4 पाई को डिवाइड कर दो, तो ये ई की वैल्यू क्या आ गई देखो, क्यू हो गया एक तो ये अपॉन में 4 पाई डिवाइड होती है, 4 पाई डिवाइड होती है लिखोगे आप एप्सिलॉन नॉट के साथ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर क्यूब आपका एक आर ऊपर लिखा हुआ है, एक आर क्यूब आपका नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा देखो फॉर्मूला लास्ट फाइनली ई इनसाइड का, तो मैं फॉर्मूला लास्ट लिख रहा हूँ, देखो ये हमें डिराइव करना था, ई इनसाइड ध्यान से देखना 1/4 pi epsilon naught क्या होता है के, ये आ गया क्यू, फिर लिख दिया स्मॉल आर अपॉन में आएगा आर क्यूब, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर ये फॉर्मूला है इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो ये था सेक्शन ई का लास्ट क्वेश्चन, तो इस तरह से हमने सेक्शन पूरा आरबीसी क्वेश्चन बैंक सीरीज कंप्लीट किया, बच्चों ने शुरू में लिखा था सर स्टार्ट किया तो कंप्लीट करना है, तो ये कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या, अब क्या करें, ये तो था क्वेश्चन बैंक कंप्लीट मतलब फुल सिलेबस का, अब एग्ज़ाम की तैयारी हम एक नए पैटर्न से भी कर सकते हैं, हम क्या करें चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करें, चैप्टर वाइज वर्कशीट सॉल्व करें। तो आप जैसा रिविज़न कर रहे हो, ये तो कम्प्लीट सिलेबस का पेपर था, अब आपके पास टाइम है तो आप क्या करेंगे, चैप्टर वन थ्योरी पढ़ लिया, चैप्टर वन की थ्योरी पढ़ ली, सारे फॉर्मूले एक पेपर पे लिख लिए, सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए, अब वर्कशीट वन या जो भी शीट चैप्टर वन की जो शीट्स हैं वर्कशीट्स हैं उनको आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस शीट जो है उनको सॉल्व करो, ठीक है। उनका लिंक या उनके जो डिस्क्रिप्शन हैं उनका PDF जो है वो आपको मिल जाता है टेलीग्राम ग्रुप पर या किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वो PDF से आप वर्कशीट डाउनलोड करें, तो डाउनलोड करके उस वर्कशीट को पहले आप सेल्फ करें,
पहले आप सेल्फ ट्राई करें, आप देखो इतना इतना आपने पढ़ा है, पूरा साल आपने पढ़ लिया, चैप्टर वन जो भी पढ़ लिया, और दोबारा अब आप रिविज़न कर रहे हो, फिर दोबारा पढ़ रहे हो, सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, तो एक बार वर्कशीट ट्राई तो करो, ट्राई करो, सेल्फ ट्राई करो, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, आप खुद देखोगे कितना तैयारी आपकी हो चुकी है, उसमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, ठीक है। तो फिर आप जैसे एक वर्कशीट वन है वो आपने ले ली टेलीग्राम से, उसको आपने नोट कर लिया, देख लिया, सॉल्व कर लिया, फिर आप इसका वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं, फिर आप उस चैनल पर वीडियो को देखें, उसके सॉल्यूशन देखें, ठीक है। इस तरह से आप तैयारी करें स्टेप बाय स्टेप, सारे चैप्टर भी बार रिवाइज हो जाएगा, सारे चैप्टर की थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी, तो आप इसको इस तरह से करना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन बैंक के सेक्शन ई खत्म होता है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन गुड बाय, कीप स्टडिंग, टेक केयर।